आपका पीछे भारत में मैं हूँ प्रकाश। इस समय मिर्जापुर में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हरिशंकर बिंद जी, जिनका टिकट कट चुका है। निषाद पार्टी से टिकट देने का पूरा आश्वासन मिला था, इनके साथ धोखा किया गया। हम सबसे पहले तो एक अहम सवाल इनसे पूछेंगे, सर मझुआ में क्या बिंद बिरादरी के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है? बहुत बड़ा छलावा, क्या मानते हैं? 1,20,000 वोट है बिंदो का जी, उनके साथ तो बहुत बड़ा छलावा है। मझुआ सर ये बिंद बाहुल्य विधानसभा है, तो क्या किस तरीके से देखते हैं इसको, फिर कैसे आप करेंगे? हमको सिर्फ एक ही बात का दुख है कि संजय निषाद ने हमको गुमराह किया। जब टिकट इनके खाते में था ही नहीं, इनको गुमराह करने का कोई मतलब नहीं। हमको क्यों 6 महीने से परेशान किया गया, क्यों सेवा कराया गया? रात दिन हम लोग मेहनत करते रहे और पार्टी के लिए रात दिन सेवा करते रहे, हर स्तर का मुझसे खर्च भी कराए और इस तरह से मेरे धोखा दिए, ठीक है। लेकिन हमको एक बार बुला करते तो कह देते कि घबराओ मत बेटा, शांत रहो, फिर देखेंगे। लेकिन कभी फोन भी नहीं उठा रहे हैं, बार बार फोन करने के बावजूद भी। कितना पैसा अभी अब तक उनको दे चुके हैं? देखिए 15 लाख रुपया हमने नगद दिया है, 5 लाख रुपया आवेदन के नाम से, 10 लाख रुपया दिल्ली उनके आवास पर। क्या खर्च हुआ है आपका टोटल? लगभग हमारा 70 लाख। अच्छा, क्या मानते हैं कि आपको ये जो आपका टिकट कटा है, इससे मझुआ के विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा? फर्क जरूर है। क्या लगता है बिंद बिरादरी किधर जाएगी? अब वक्त ही बताएगा, अभी हम अपने में निर्णय नहीं ले पाए हैं। जल्द ही बैठक बुलाकर हम अपने समाज के लोगों को बुलाएंगे, महत्वपूर्ण लोगों को बात करेंगे और आपस में होकर एक न एक निर्णय लेंगे। मैं संतोष कुमार निषाद पार्टी में प्रदेश सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। तो अभी आप पार्टी में हैं या फिर पार्टी छोड़ दी? पार्टी में जब विचारधारा से खिलवाड़ किया जाएगा तो उसमें काम रहेगा। क्या कहना चाहते हैं अब अभी आप कुछ कह रहे हैं, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं निषाद पार्टी और संजय निषाद के बारे में। कुछ इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसे जो ये मीडिया के माध्यम से इसमें उत्तर प्रदेश के मझुआ विधानसभा में बवंडर मचा हुआ है, सारे लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि पुष्पलता जी का उसमें क्या दोष है, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर संजय निषाद जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं और मंत्रालय भी मत्स्य विभाग के पाए हैं, लेकिन लगभग मिर्जापुर में एकाको लोगों को कोई फायदा वादा नहीं मिला है। वो सब पता नहीं क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, आगे बोल रहा हूँ, बात को बोलने दीजिए, सुनिए। तो अगर मैं पुष्पलता जी को 5 हथियार, नारा, चुनाव चिन्ह, झंडा, नेता और पार्टी, 5 हथियार को लेकर जाओ और समाज को जगाओ और मझुआ का चुनाव जीत करके आओ, उनको टिकट दिया गया, मतलब देने के लिए कहा गया, उन्होंने 6 महीने तक काम किया। अब मतलब कि देख रहा हूँ जो सूची पारित हुई है कार्यालय से दिल्ली, उसमें डबल राइटिंग में पास किया गया है, मतलब कि उनका टिकट क्लियर था, बीच में कौन छेड़छाड़ किया, किसने किया? अभी आप कह रहे थे भाजपा ने टिकट कटवाया, तो भाजपा ने टिकट कटवाया जिससे कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद भाजपा के पास गए हैं, मनोनीत मंत्री बने हैं और उन्हीं के माध्यम से है, वो बड़े भाई छोटे भाई का नारा लगाते चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मैं मालिक है तो डॉक्टर संजय निषाद का ये पुराना सीट है, उनका टिकट अगर मैं डॉक्टर संजय तो चाहेंगे नहीं कि हमारा घर उजड़ जाए, तो उनका घर उजाड़ने वाला कोई और ही हो सकता है। बीजेपी ने टिकट कटाया निषाद पार्टी, बीजेपी काटा हो, चाहे जैसे एनडीए निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो अब तो ब्लेम जाएगा ना कि तीनों ने मिल करके काटा। आपको भी पैसा खर्च हुआ? हमारा पैसा कौन खर्च होगा, हम लोग तो 10 साल से अपने बीवी बच्चों और परिवार को छोड़ करके समाज को जगाने के लिए यहाँ तक पार्टी ला दिए कि अब बड़ी देश की लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारे पार्टी का गठबंधन हो गया है, और मतलब कि हिस्सा देने की बात भी हो रही है, लेकिन आरक्षण हमारा 14 से लेकर के अभी तक लटका हुआ है, लेकिन मिला नहीं और लगता भी है कि मिलेगा नहीं। तो मैं निषाद पार्टी के सभी मछुआरों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं छल कपट ढोंगी जो भी मतलब कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे संगठन का, उसके साथ रहना एकदम बंद करो, छोड़ दो, अपने काम में लग जाओ, और नहीं तो जैसे कि अंग्रेजों, मुगलों और आर्यों ने आकर के इस देश को लूटा था, इसी वही दलालों ने आज भी भारत देश में अड्डा बना रखा है और देश को लूट करके बर्बाद कर देंगे। आप लोगों से निवेदन है कि संगठन के माध्यम से
इकट्ठा हो करके आप लोग अपने बच्चों का भविष्य बचाइए, बिना आंदोलन के हिस्सा नहीं मिलेगा। बिंदु बिरादरी को कहा संकेतिक करेंगे कि कुछ कहेंगे? बिंदु बिरादरी को मैं संकेतिक ये करूंगा कि जो आपके बीच में, जैसे कि जो भी बिरादरी है, नात बात रिश्तेदार के माध्यम से कहीं न कहीं जुड़ा होता है, तो जो आपकी भलाई किया होगा, जो आपको अच्छा लगता होगा, उसको आप जिता करके इतनी तेजी से जिताना कि इतना दूर हारने वाला हो जाए कि काक लाख वोट से पीछे हो। तो ये थे निषाद पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता, अभी हम ये नहीं कह सकते पूर्व हैं या अभी वर्तमान में हैं, हालांकि पार्टी छोड़ने की बात उन्होंने कह रखी है। जिस पार्टी में उसका सिंबल ही भोजन भरी थाली हो और उनके कार्यकर्ताओं से उस थाली को छीन लिया जाए तो क्या महसूस करेंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। बने रहिए पीछे भारत पर। जय भारत।